तुम्हें क्या जरूरत थी बिल पे करने की? उन्हें करने देते ना। अब यार वो उठा नहीं रहे थे, मुझे एंग्जायटी हो गई, क्या करूं। अनीश, ढाई मिनट बाद ना वेटर भी बिल पे करने को तैयार हो जाता है। बट योर फ्रेंड्स आर जस्ट अनबिलीवेबल। एंड लुक एट द ऑडेसिटी, दे वांटेड द लेफ्ट ओवर चिकन आल्सो। ऐसे शैली यार, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है। घर पे पता चल गया ना हम नॉनवेज लाए तो पापा झाड़ू देखे मेरा मुर्गा बना देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे भी बूढ़े लोगों का ना स्मेलिंग पार वीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। डिनर डेट? Yeah. You know, me and my wife, we used to love going to dinner dates. लेकिन आजकल उनके दांत गिर गए ना, तो अकेले जाने में गिल्ट लगता है। तुम लोगों ने ये कहाँ से? Don't tell me chicken curry from Kapil Chicken. My God, उनके वहाँ मुर्गा कटता नहीं है, शहीद होता है। ओ, क्या स्वाद है। इसमें 10 पीस आते हैं नहीं? तुम लोग तो स्लिम ट्रिम हो, हद से हद 3-3 पीस खाओगे। बाकी तो फेंके गए। नहीं नहीं, वो जो बच जाएगा वो कल खाएंगे। अरे कल? अरे कल तो खराब हो जाएगा। इसका स्वाद तो ताजा ताजा ही है। ड्रिंक लेते हो आप लोग? हाँ, ओकेजनली। तो आओ बैठते हैं, थोड़ी देर पीते हैं तीनों। चकना तो अपने पास है ही। नहीं, वो अंकल थोड़ा लेट हो गया ना, कल ऑफिस भी है, काम भी। कम ऑन, वन ड्रिंक हैज नेवर किल्ड एनीवन। वी डोंट ड्रिंक, थैंक यू। बस जस्ट वन? नो थैंक्स। अच्छा, मैं पैक के साथ नमकीन ले लूंगा। क्या आदमी है, कैसे मर रहा था चिकन खाने के लिए। आई स्वेयर। देख रहे हो शकुंतला, कि इनका घर हमारे घर से बड़ा है, कि यहाँ कोई रो नहीं रहा है। हमारे गांव में कोई मरा होता ना तो पता चलता कि हाँ भाई कोई मरा है। यहाँ तो इतनी सी उदासी छाई है जैसे नोटिस आया कि 2 से 6 पानी नहीं आएगा। अगो भाई, मैं पानी भर के आती हूँ। लोग यार रो क्यों नहीं रहे हैं? बुजुर्गों की बस इतनी सी इज्जत रह गई है सोसाइटी में, हैं? अरे कोई जवान मरा होता ना तो भी छाती पीट पीट के रो रहे होते कि हे भगवान, इनकी जगह हमको उठा लिया होता। शोर मचाने से बिल्डिंग में कंप्लेन हो जाता है ना, इसीलिए नहीं रो रहे होंगे। या फिर इसलिए नहीं रो रहे होंगे कि शर्म आ रही होगी। अभी कोई एक रो देगा ना तो बाकी का डर भी निकल जाएगा। एक काम करो, तुम रोना शुरू करो, तुमको देखा देखी एक आध और रोने लगेंगे। क्या बोल रहे हैं, अब जिस आदमी से हम कभी मिले नहीं उसके लिए काहे रोएं? अरे कोशिश तो करो। अच्छा मान लो कि हम मर गए। इस प्लास्टिक के ग्लास में पानी को देख के ऐसे लग रहा मैं किसी पार्टी में जिन पी रहा हूं। You think they know? क्या? That we killed him. Sorry. Slip of tongue. शली क्या बातें कर रही हो यार? वो आखिरी दम तक हमसे चिकन करी मांग रहा था लेकिन हमने नहीं दिया। How could we be so insensitive? बूढ़े थे यार, आज नहीं तो कल जाना ही था उन्हें। वैसे भी बूढ़ों को RW ज्वाइन करने और मरने के अलावा और करना ही क्या है। नमस्ते जी, मैं राहुल।
वो सीसीटीवी में देखा था, पिताजी की आखिरी मुलाकात आप ही लोगों से हुई थी। अच्छा, हमारे बाद और कोई नहीं मिला? नहीं। अच्छा, कैसे हुआ? पता नहीं कैसे, आई मीन डेली एक्सरसाइज करते थे, पार्क जाते थे, कोई गलत काम नहीं करते थे, बस एक नॉनवेज खाने का शौक था। जुकाम है, पानी पी। आई मीन आप कुछ बता सकते हैं, आप लोगों की कुछ बात हुई है, लास्ट वर्ड्स ऐसा कुछ अगर हो तो? लास्ट वर्ड्स, गुड नाइट। नमकीन खा लूंगा। नमकीन खा लूंगा। नमकीन, नमकीन क्यों बोला होगा उन्होंने? नमकीन खाने का मन किया होगा। उन्होंस एक्चुअली ज्यादा दुख तो इस बात का, जाने से पहले इसकी शक्ल तक नहीं देख पाए। ओह, शी इज प्रेग्नेंट। उसका पोस्चर खराब है। ये शकुंतला, चलो कम से कम हमारी बहू को तो बुजुर्गों की इज्जत है। मेरी बहू से चुड़ैल है। आप कौन? मैं भोपाल वाले चाचा। हो आफ्टरलाइफ में फूड डिलीवरी होता है? अरे डिलीवरी की क्या जरूरत है, मुर्गा भी तो मर गया है, अंकल कुछ ही होगा तो आफ्टरलाइफ में भाग के पकड़ लेंगे। हमें नहीं मरना है ये 10-20 लोगों के बीच में। अरे जब तक 500,000 लोग ना आए मरने पे, तब तक क्या मरना हुआ? मरने के बाद क्या पता चलेगा कि हजार आए कि चार। अरे हमारे मरने के बाद जब ऊपर आओगी तो बता देना कितने लोग आए थे। हम काहे आए नरक में। अच्छा, थैला कहाँ पे है चिकन का? राहुल की वाइफ प्रेग्नेंट है रे। वो अंकल का बेटा? करेक्ट। और ऐसा भी माना जाता है कि जब कोई बूढ़ा इंसान मर जाता है उनका रीइंकार्नेशन होता है, करेक्ट? तो बेसिकली राहुल की वाइफ के पेट के अंदर अंकल है। राहुल की वाइफ को चिकन खिला देते हैं, एक्सप्रेस डिलीवरी, राहुल खुश, राहुल की वाइफ खुश, अंकल खुश। व्हाट डू यू थिंक? या श्योर, राहुल को ये बात तुम एक्सप्लेन कैसे करोगी दैट हिज डेड फादर इज इन हिज वाइफ राइट नाउ? लाल बिंदी लगी है ना, देखिए। अरे तीखा होगा, हम लोग वो गांव में नहीं फीका फीका चाउमीन मंगाते थे, उसमें भी तो हरे रंग की बिंदी लगी होती थी। चक्के देखो जरा क्या है। हेल्प मी आउट ना, मुझे एंजाइटी हो रही है। अरे मुझे एंजाइटी हो रही है, थैला नहीं मिल रहा है यार, कहाँ रखा है तुमने? मुझे क्या पता, फेंक दिया होगा दीदी ने। कहाँ फेंक दिया होगा, ले भी तो जा सकती है साथ में। फ्रिज में भी तो रख सकती है। फ्रिज में भी रख सकती है यार। फ्रिज में रख दिया। वाओ, फ्रिज में चेक नहीं किया तुमने। व्हाई आर यू स्निफिंग द रूम लाइक अ डॉग? तीखा तो नहीं? तुम खुद इतनी तीखी हो, तुम्हें क्या तीखा लगेगा? ये सब करने से पहले हमारे मरने का इंतजार तो कर लेते। धर्म भ्रष्ट करा दिया, ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे? मम्मी प्लीज ऊपर जाके उन अंकल को मत बताना कि हमने आपको चिकन खाने दिया, प्लीज। पापा आपको तो बचा लिया ना मैंने, वो तो मम्मी का धर्म भ्रष्ट हुआ है। मम्मी ग्रेवी ग्रेवी खाने से कुछ नहीं होता, वो तो पीस खा लो तब जाके धर्म भ्रष्ट होता है ना। चली, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। क्या गलती कर दिया इसके पालन पोषण में, बताओ? इतना प्रेशर डालोगे तो कैसे याद आएगा? तुमको पता है कितना बड़ा पाप होता है ये? आपके रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पाप हो सकता है, लेकिन अदर देन दैट आई डोंट रियली हैव अ रेफरेंस पॉइंट। मम्मी कल पहली बार खाया था हमने, और सच बताऊं तो वो दोस्त ने मंगवा लिया था, इसलिए टेस्ट वेस्ट भी कुछ खास था नहीं। लेकिन सच बताएं, प्रॉमिस करते हैं आज के बाद घर में कोई नहीं खाएगा। अगली बार खा के तो दिखाओ, झाड़ू दे के मुर्गा ना बना दिया तो कहना। पता नहीं कौन से बर्तन में कौन से जानवर ने प्राण त्यागे हैं। देखो तुम्हारा घर है, ज्यादा रोक टोक तो करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हमारा बर्तन अलग कर दो, हम इस पाप के भागीदारी नहीं बनेंगे।
जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, अगर बर्तन अलग कर दिए तो हम नॉनवेज खा सकते हैं? चलो, ऑन द ब्राइट साइड, एटलीस्ट नो मोर प्रोटीन फैट्स। थैंक गॉड। मैं जरा वो चिकन, सॉरी, किचन में जाती हूँ बर्तन अलग करने। मम्मी, वो खाने के बाद हम बर्तन धो देते हैं ना, तो सूंघ के कैसे पता चलेगा किसमें खाया किसमें नहीं खाया? आपका मूड ज्यादा खराब हो गया तो मैं आपके लिए ग्रीन टी बना देती हूँ, बेस्ट ग्रीन टी है हमारे पास। नहीं, कुछ मत बनाओ। देखो देखो किचन कितना गंदा हो रहा है। खाते हो ये तो समझ में आता है, पर बनाते कैसे हो ये नहीं समझ में आया। जो एक कपड़ा लेके आओ। मम्मी, आपको पता है ना वो दीदी कैसे साफ करती है। मैं एक काम करती हूँ, अर्बन कंपनी से ना किसी को डीप क्लीनिंग के लिए बुला देती हूँ, पूरा किचन अच्छे से साफ करके जाएगा। हर चीज के लिए बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। पता नहीं क्या करेंगे कैसे करेंगे। जो कपड़े को गीला करके ला। अरे मम्मी, ऐसा मत सोचिए कि आप मेरी सास है इसलिए मैं आपकी क्लीनिंग की बुराई कर रही हूँ। वो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होता है, और अगर उनके लेवल का काम हम कर पाते ना तो मैं आपको बोलती नहीं। मैं बुला रही हूँ, डोंट वरी, अच्छे से क्लीन करके जाएगा वो। हैरी जी। हाँ जी। आपको मौत से डर लगता है? पहले लगता था, जब से योगा करने लगा हूँ तब से नहीं लगता। बाकी एक दिन तो सबको ऊपर जाना है। आपकी बिल्डिंग में वो दिलीप जी को भी जाना था, आपका बेटा जो मुर्गा लेके आया उसे भी। आप खाते हो नॉनवेज? बिल्कुल, चिकन खाता हूँ, शराब पीता हूँ, शाम को बैठकर फिर गुंडा फिल्म भी देखता हूँ, पर अगले दिन योगा करके फिर से फ्रेश। आपको डर नहीं लगता कि ऊपर जाके जवाब भी देना होगा? अवध जी, मेरी माँ कहा करती थी, जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं। मतलब? जम्या नहीं मतलब जन्म नहीं लिया। और मेरा कहना है जिस चिकन नहीं चख्या वो जम्या ही नहीं, मतलब जिसने जन्म ही नहीं लिया तो वो मरेगा कैसे? आपकी ना संगत ठीक नहीं है, हमें कहीं और बैठना पड़ेगा। अरे अवध जी, अरे सुनिए, बैठो एकदम बैठो आराम से। आप ना अपनी आँखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना तो सही, वो योगा में मेडिटेशन भी सिखाते हैं ना। मुंह में चिकन तो नहीं डालोगे? अरे मुंह में नहीं, मन में डालूंगा। अब आप सोचो कि आप 2 हफ्ते से एक सुनसान टापू पर एकदम अकेले। शकुंतला कहाँ गई? अरे शकुंतला गई है बस अड्डे। आप फोकस करो ना। अच्छा अच्छा, आप 2 हफ्ते से एकदम अकेले हो, सुनसान टापू है, आपने कुछ नहीं खाया, आपने अपना अंत स्वीकार कर लिया। तभी आपको दूर एक तेज रोशनी से एक नाव पे आता हुआ दिखाई देता हूं मैं, और मेरे हाथों में है चिकन। जैसे ही आप वो चिकन देखते हैं, 2 हफ्ते के भूखे आप मेरी तरफ भाग के आते हैं, और मुझसे वो चिकन खींच कर आप एकदम से खाने लगते हैं। आप उसको तब तक खाते रहते हैं जब तक कि आप सेटिस्फाई ना हो जाओ, और इस सेटिस्फेक्शन के बाद आपको लगता है कि अब मुझे अगर मौत भी आ गई तो मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। लेकिन चिकन के साथ रोटी प्याज भी तो होगा, वो भी तो खा सकते हैं। अरे उसको मैंने रास्ते में फेंक दिया था, स्मेल बहुत आ रही थी। बट द पॉइंट इज कि आपको अपनी लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, ये ट्राई कर लूंगा। हैरी जी, तुमने सबसे पहले नॉनवेज कब खाया था? हैरी जी, हैरी जी।
मैम काम हो गया, आप चेक कर लीजिए। भाई वाह, देख के तो ऐसा लग रहा है कि दाग के साथ साथ मम्मी के वहम भी निकाल दिए हो। पर है ना, मतलब देखिए कोई बता नहीं सकता कि किचन इससे पहले कोई यूज हुआ है ना? काम तो बड़ा सही किया है, है? वैसे तो हम भी कर लेते और शायद इतना अच्छा ना कर पाते। देखो अनीस, किचन का शुद्धिकरण हो गया है, अब अगर ऐसा वैसा कुछ खाया तो ये शकुंतला देवी घर छोड़ के चली जाएगी। अरे मम्मी, अरे शकुंतला भैया बाहर छोड़ा। जाओ बाय सर। हाँ जाओ भैया, जल्दी जाओ। अनीस इधर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर आओ जी। Still traumatized from that death, right? I know. Even I can't stop thinking about it. Which death? Oh, नहीं नहीं। पापा मिले मुझे बाहर। कल के लिए फिर से डांट रहे थे। मैं तो उनके डर से कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। वो कह रहे थे कि उन्हें चिकन खाना है। What? हाँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो सीरियस हैं या फिर हमने जो कल ना खाने का प्रॉमिस किया है उसको टेस्ट कर रहे हैं। से प्रॉमिसेस का टेस्ट कौन लेता है? तुम्हें पता नहीं है शली, एक बार बचपन में सेम पापा मुझसे आके बोले थे कि उन्हें वो वाली फिल्म देखनी है। अब मैं पॉइंट फिल्मों को वही फिल्म बोलता था तो मुझे लगा पापा को भी वही देखनी होगी। मैं लेके चला गया अपनी बेस्ट सीडी और मुझे लगा कि चलो पापा ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, मना तो नहीं कर सकता ना। वो तो एक घंटा पीटने के बाद मुझे पता चला कि वो जिस फिल्म की बात कर रहे थे उसका नाम ही एक्चुअली वो था। ये कौन सी फिल्म है? ये नहीं वो। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सारा सीन वैसा तो नहीं है। अनीश, हमने ऑलरेडी चिकन मना करके एक आदमी को मार डाला है। टू इज गोना मेक इट लुक लाइक हमें मजा आ रहा है। आई थिंक हमें खिला देना चाहिए। है ना? मैंने पापा को आज रात्रि हाँ तो बोल दिया है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए ना। ये जो सुबह सफाई वाले आए थे उनसे बाथरूम साफ करने वाला भी लगवा लेते हैं। बाई के साफ के बाद तो बाथरूम जाने का मन ही नहीं करता। हाँ मम्मी जी, लगवा सकते हैं। हर हफ्ते अर्बन कंपनी वाले आके साफ करके चले जाएंगे। महंगा तो नहीं हुआ? महंगा हुआ तो अनीश से करवा लेंगे। अरे मुझसे क्यों करवाओगे, वैसे भी जितना मीट को देते हैं उससे कम में हो जाएगा। अब खा क्यों नहीं रहे ठीक से? अरे आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, मतलब ये दाल और बैगन खाने का मन नहीं है। अरे चुपचाप खाना खाइए, ये मन नहीं वो मन नहीं। अरे तुम खाओ, तुम्हें चुपचाप खाना है तुम चुपचाप खाओ, तुम्हें गाना गा के खाना है तुम गाना गा के खाओ। सर हाँ दे दूंगा 5 स्टार्स। वो मैं कह रहा था कि सर खाने से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, थोड़ा सा टेस्ट करा सकते हैं क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? भैया से खाना है तो ठीक है, नहीं खाना है तो मारना मत। पहले तुम खा के दिखाओ कैसे खाते हैं। कुछ है नहीं, वो वैसे मुंह में डाला चबाया और निगल लिया है ना। चलिए तू खा के दिखा दे, होते वो टेस्ट नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, हम तो सिर्फ इसलिए पूछ रहे थे कि कहीं हड्डी ना हो।
इसलिए लाओ लाओ। पापा चटनी। कैसे? थोड़ा टाइम दे दो। तीखा लग रहा है। पापा पानी? क्या हो गया? क्या? अनीशा, I think he's choking. क्या करते हैं choking में? CPR मुझे नहीं आता, तुझे आता थे ना? एक मिनट, मैं नहीं मैं देता हूँ। नहीं, I don't think इससे कुछ होगा। पापा उठिए, उठिए पापा उठो। अच्छा उठो। डू दैट थिंग यार, डू दैट थिंग विद द स्टमक, विद द स्टमक। स्टॉप हिम। पेल्विक थ्रस्ट क्या कर रहे हो? दिस मूवमेंट, दिस। या कम ऑन, गो अनीश, कम ऑन, पापा। मम्मा तेरी जुल्फों के साए ने उसे दीवाना कर दिया, उसने भी अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। देखा जो तुझे कल किसी और के साथ था, 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 मार दिया। कल रात भी सोसाइटी के बाहर एक लड़का मर गया था। सोसाइटी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आए दिन कोई ना कोई मरता ही रहता है यहाँ पे। अब कौन मर गया? वो कोई डिलीवरी वाला था। आजकल एक तो ये लोग मोटरसाइकिल भी इतना आड़ा तिरछा चलाता है। हमने तो मौत को भी इतने करीब से देख लिया कि हमारा डर ही खत्म हो गया। Hey guys, we hope you like this episode of Very Pare Vare. And please do not forget to comment. भाई तू ये सब क्या कर रहा है? तू जाके खाना बना ना, आज तेरा दिन है। भाई मैं कैसे जाऊँ? कल किचन में तुमने खाना बनाया था, कितना गंदगी मचा दी। पहले वो साफ करो जाके। अरे मैंने ट्राई किया यार, घिस घिस के हाथ घिस गए, चिकनाई निकली नहीं, मैं क्या करूँ इसमें? तो एक काम कर देना भाई, अर्बन कंपनी से प्रोफेशनल्स को बुला के किचन की डीप क्लीनिंग करा देते हैं। अरे भाई वो सारे स्लैब, स्टोव, चिमनी, फ्रिज, किचन के सारे कोने सब कुछ साफ करके जाते हैं। And also guys, you can also get your kitchens deep cleaned from Urban Company. क्योंकि वो पावर स्टीम मशीन से आपके किचन के जिद्दी ग्रीस और ऑयल स्टेन्स बहुत अच्छे से साफ करके जाते हैं। And also guys, आप ये सब कर ही रहे हो तो द वायरल फीवर को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक और कमेंट भी कर देना, क्योंकि वो करे बिना फ्री में एपिसोड देखना इज नॉट वेरी पारिवारिक। इट्स एक्चुअली द लीस्ट पारिवारिक। इट्स नॉट एट ऑल पारिवारिक। इट्स द लोएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ पारिवारिकनेस। समझ गए, समझ गए। समझ गए अब तो करिए। थैंक यू गाइस।